नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के चंद्रिका चौराहे के पास भोले बाबा की पहाड़ी पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं व समाज सेवी एवं नगरवासियों द्वारा मकर संक्रांति पावन पर्व पर खिचड़ी का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगणों ने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें नीरज गुप्ता, अंकित राजपूत, योगेश चतुर्वेदी, कमलेश कुमार, अमरचंद गुप्ता, मनोज रेछारिया, मनोज पाठक, हरप्रसाद द्विवेदी, अनिल राठौर, दीपक सैनी व समाज सेवी एवं नगरवासियों का विशेष योगदान रहा। यह भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ बढ़िया प्राकृतिक वातावरण में बहुत प्राचीन मंदिर जो शिला पर उत्कीर्ण है और बहुत ही प्राचीन है, जहाँ जो चारों तरफ से जो है अतिक्रमित हो गया था, अतिक्रमण कर लिया गया था और यहाँ पर आने यहाँ पहुँच के पहुँचने का स्थान भी अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसको हिंदू जागरण मंच की टीम ने मिल करके इसको जो है संरक्षित किया है और यहाँ साफ सफाई की है। यहाँ संपर्क मार्ग बनाने का प्रयास चल रहा है, उसके लिए भी यहाँ का मार्ग खुल चुका है, लोग आने जाने लगे हैं। आज जो है मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ पर खिचड़ी भोज का विशाल आयोजन किया गया है, जो प्रातः से ही चल रहा है और दिन भर चलेगा। इसी तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी यहाँ पर विशाल कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। मैं हिंदू जागरण मंच प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आर्थिक टोली योगेश चतुर्वेदी। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर चंद्रिका चौक स्थित भोले बाबा की पहाड़िया पर विशाल खिचड़ी भंडारा है, जो कि सारे दिन चलेगा। यहाँ भोले बाबा की कृपा से सारा भंडारा चल रहा है, सभी भक्तगण यहाँ आए हुए हैं और सुबह से यहाँ भंडारा चल रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कार्यक्रम रखा गया था, लोगों से जुड़ाव हो और यहाँ पर जो है जो पहाड़िया है ये अतिक्रमण के कारण चारों तरफ से जो है कब्जा कर लिया गया था लोगों द्वारा, जिसको जो है यहाँ संरक्षित करने का काम किया गया है हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम ने, और मैं हिंदू जागरण मंच का जिला संयोजक अंकित राजपूत सब लोगों ने मिल के यहाँ के मोहल्ले वासियों ने मिल के यहाँ साफ सफाई चारों तरफ करके चारों तरफ से रास्ता खोला गया, जो कि कब्जा कर लिया गया था और यहाँ पर विशाल आज भंडारा हुआ है। 22 तारीख को भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी यहाँ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित है।